बताऊंगी कि आयुर्वेदिक उपायों द्वारा आप कैसे मिर्गी का इलाज आसानी से कर सकते हैं। टिप नंबर वन है गार्लिक यानी कि लहसुन, क्योंकि लहसुन के अंदर एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो किसी भी प्रकार की बीमारी से हमें निजात दिलाने के लिए एक अच्छी औषधीय उपाय है। आप चाहें तो मिर्गी के दौरों को ठीक करने के लिए भी गार्लिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने खाने के अंदर लहसुन का इस्तेमाल करके भी आप इससे बढ़ने वाले दौर की संख्या को कम कर सकते हैं। लहसुन के फायदे तो आपने जान लिए, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको लहसुन का इस्तेमाल करना कैसे है। आधा कप दूध के अंदर आधा कप पानी मिलाकर इसके अंदर 5 लहसुन की कलियां डालिए और अच्छे तरीके से दूध को उबाल दीजिए। दूध को तब तक उबालिए जब तक ये दूध आधा ना रह जाए। आधा करने के बाद इस दूध को गर्म गर्म चाय की तरह सेवन करिए। ऐसा करने से मिर्गी के दौरे पड़ना थोड़े कम हो जाएंगे। टिप नंबर टू है ब्रह्मी। ब्रह्मी एक औषधीय उपाय है जिसे हम ज्यादातर बालों की चमक को बरकरार रखने के लिए यूज करते हैं, लेकिन आप चाहे तो मिर्गी के दौरों को ठीक करने के लिए भी ब्रह्मी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस व्यक्ति को बार बार मिर्गी के दौरे पड़ते हो, आपको उसे रोजाना 4 से 5 पत्ते ब्रह्मी के खिला देने चाहिए, या फिर आप चाहे तो ब्रह्मी का अच्छा सा चूर्ण बनाकर 1 ग्लास गर्म दूध के अंदर डालकर भी रोगी को पिला सकते हैं। टिप नंबर 3 है तुलसी। भारतीय घरों के अंदर तुलसी बहुत ही आसानी से मिल जाती है, साथ ही साथ यह भारत के अंदर पूजनीय भी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसी के अंदर भी कई ऐसे औषधीय गुण होते हैं जो मिर्गी के दौरों को काफी हद तक ठीक कर सकते हैं। आप रोगी को रोजाना 4 से 5 तुलसी के पत्ते दे सकते हैं, या तो वो उसे चबा सकते हैं, या फिर रोजाना 4 से 5 तुलसी के पत्तों का रस निकालकर शहद मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं। ऐसा करना भी मिर्गी के दौरों को ठीक करने के लिए काफी हितकारी रहता है। टिप नंबर 4 है ऐश गार्ड। इसे हम सफेद कद्दू या फिर पेठे के नाम से भी जानते हैं। खाने में मीठा लगने वाला पेठा मिर्गी के दौरों को ठीक करने के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है। ऐश गार्ड को घिसकर इसका आधा ग्लास जूस निकाल लीजिए। इस जूस को रोजाना सुबह खाली पेट सेवन करने से मिर्गी के दौरे आने काफी हद तक कम हो जाते हैं। टिप नंबर 5 है नारियल तेल। मिर्गी के दौरों को ठीक करने के लिए नारियल तेल भी काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये हमारे दिमागी संतुलन को शांत करने के लिए काफी अच्छे तरीके से काम करता है। साथ ही साथ नारियल के तेल के अंदर फैटी एसिड भी पाए जाते हैं, जो दिमागी संतुलन को बनाए रखने के लिए भी काफी अच्छे माने जा सकते हैं। इसीलिए आप चाहें तो नारियल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप रोजाना 1 चम्मच नारियल के तेल का अपने खाने के अंदर सेवन कर सकते हैं, या फिर चाहें तो नारियल के तेल के अंदर ही अपने खाने को पका सकते हैं। ऐसा करने से भी मिर्गी के दौरे काफी हद तक ठीक हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ ऐसी औषधियाँ जो मिर्गी के दौरों को काफी हद तक ठीक करने में सक्षम है। इन सारे टिप्स को आजमाइए और Thank you.